गांधीनगर में नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। उत्पाद निरीक्षक कुलवंत कुमार ने बताया कि भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के सामान, शराब के रैपर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांधीनगर में छापेमारी की गई। छापेमारी में 62 लीटर, 151 बोतल शराब की बरामदगी हुई है और साथ में दो गिरफ्तारी भी। अमन कुमार जो वैशाली जिला का रहने वाला है और मोहित दिनकर जो समस्तीपुर जिला का रहने वाला है, उससे विशेष पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया एक नकली शराब का फैक्ट्री जिसके एड्रेस पूछने पर बताया और वहाँ पे तुरंत छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है।